ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आपको आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की जानकारियां मिलेंगी और इन जानकारियों को बहुत सहज तरीके से तैयार किया गया है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से इनको सीख पाए। इनमें आपको ऑफिस के प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर, वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की जानकारी मिलेगी। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो किसी को शेयर करना हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं, लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट करिए, जिससे कोई भी नया मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपको वो तुरंत मिल सके। आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ, रिज्यूम बनाना, बायोडेटा बनाना। देखिए, हर व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है रिज्यूम बनाने की। अगर आप फ्रेशर हैं, किसी कंपनी में अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक रिज्यूम बनाना होता है। रिज्यूम में आप अपने पर्सनल डिटेल, अपने एजुकेशन डिटेल और अपने वर्क डिटेल को लिखते हैं, और जितना अच्छा आप रिज्यूम बनाते हैं उतना अच्छा प्रभाव उस कंपनी पे पड़ता है जहां आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में हम रिज्यूम कैसे बनाएं और रिज्यूम बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, तो आपको मैं आज पूरा स्टेप बाय स्टेप रिज्यूम बनाना बताऊंगा और उसके लिए मैं आपको टिप भी दूंगा कि किन किन बातों की सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक रिज्यूम बनाया हुआ है, आपको इसी तरीके से एक मैं रिज्यूम बनाना बताऊंगा। रिज्यूम वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, पर फिलहाल मैं एक रिज्यूम एक फ्रेशर व्यक्ति अगर बनाना चाहता है तो वो कैसे बनाएगा, उससे रिलेटेड मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। रिज्यूम जब भी बनाइए तो रिज्यूम में बहुत ज़्यादा कलरफुल या संदेशों की साइज वगैरह बहुत बड़ी मत रखिए, एक साधारण बनाइए, और रिज्यूम में जो भी बातें आप सम्मिलित करिए वो सही हो, जेन्यून हो। आपको फेक बातें अपने रिज्यूम में नहीं लिखनी चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको प्रॉपरली सिखाता हूँ कि अभी आप रिज्यूम कैसे बनाएंगे। तो रिज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद आप पेज लेआउट टैब में जाएंगे और अपने पेज का एक पेपर साइज A4 यहां से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपका रिज्यूम जो है उसमें जो हेडिंग डालना है वो आपको रिज्यूम डालना है। अब जब आप रिज्यूम या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट के संदेशों को थोड़ा डेकोरेट करना होता है। तो डेकोरेशन का तरीका दो है। एक तरीका है कि मैसेज आप लिखते जाइए और मैसेज लिखने के बाद आप उसका डेकोरेशन साथ साथ करते जाइए, पर एक तरीका ये भी है कि पूरा संदेश पहले आप टाइप कर लीजिए और उसके बाद आप आराम से अपने संदेशों का डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं, पर फिलहाल मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा एमएस वर्ड में एक्सपर्ट नहीं हैं तो पहले एक साधारण टाइपिंग कर लें और उसके बाद अपने संदेशों को डेकोरेट करने का काम करें। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया है रिज्यूम, अब आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना होगा। तो मैं उदाहरण में अपना डिटेल लिख रहा हूँ, आपको अपना डिटेल लिखना होगा। तो मैं आपके सामने अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर जल्दी से टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना नाम, अपना एड्रेस, ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है। मैं अभी बाद में इसका डेकोरेशन करूँगा। अब जब भी रिज्यूम बनाया जाता है तो रिज्यूम में आपको अपना एक ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। तो ज़रूरी नहीं कि मैं जो वाक लिख रहा हूँ, सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसे ही आप ऑब्जेक्टिव के रूप में लिखें। आप कोई भी दो या तीन लाइन का एक ऑब्जेक्टिव टाइप कर सकते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्टिव पहले से टाइप कर रखा है जिससे टाइपिंग पे हमारा टाइम ना लॉस हो, तो मैं उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे टाइप कर दिया है।
अब ऑब्जेक्टिव के बाद में आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को बताना होता है। तो मैं यहां एक हेडिंग लिख लेता हूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आपके जो एजुकेशन है उन्हें आप हाई स्कूल से बताते हुए लिखें, हाई स्कूल का ब्यौरा दें, ट्वेल्थ का ब्यौरा दें, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसका आप डिटेल यहां पे टाइप करेंगे। तो मैं अपने हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन के डिटेल को यहां पे टाइप कर रहा हूं। तो ये मेरा ग्रेजुएशन तक का क्वालिफिकेशन है, वो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। अब इसके बाद अगर आपके पास कोई कंप्यूटर के रिलेटेड नॉलेज है तो उसको आप यहाँ पे दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई कोर्स कर रखा है कंप्यूटर का, वो कोर्स कुछ भी हो सकता है, बेसिक कोर्स हो सकता है, डिप्लोमा कोर्स हो सकता है, अकाउंटिंग का कोर्स हो सकता है। तो जो भी आपने कंप्यूटर के कोर्सेस किए हैं उनके जानकारी को आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो मैं आपके सामने फिलहाल कुछ कंप्यूटर के कोर्सेस को टाइप कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर फिलहाल दो कोर्सेस लिखे हुए हैं, एक बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का, एक अकाउंटिंग। ऐसे आपके पास जो भी जानकारी है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आप अगर कोई विशेष कोर्स किए हैं तो उस कोर्स का भी ब्यौरा दे सकते हैं। आप ऐसे ये भी लिख सकते हैं कि वो कोर्स आपने किस ऑर्गेनाइजेशन से किया है, वो भी अगर आप टाइप करिए तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो कुल मिला के आपका जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। अब आपका जो कंप्यूटर का नॉलेज है इसके बाद अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई काम का अनुभव है तो आप एक हेडिंग डाल सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस, और आपने जिन ऑर्गेनाइजेशन में जिस पोस्ट पे जितने दिन काम किया है उसका ब्यौरा दे सकते हैं। पर मैं मान लेता हूँ कि अभी आप फ्रेशर हैं, आपके पास काम का अनुभव नहीं है, तो मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल वर्क एक्सपीरियंस को नहीं टाइप किया है, अगर है तो आप लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल देना होता है। पर्सनल डिटेल में आप फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऐसे बातों को आप यहाँ पे लिखते हैं। तो फिलहाल मैं कुछ कॉमन पर्सनल डिटेल यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ये मैंने कुछ डिटेल यहाँ पे टाइप किए हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे और भी डिटेल दे सकते हैं। नेशनैलिटी में आप इंडियन लिख सकते हैं, मैरिटल स्टेटस आप बता सकते हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अनमैरिड, हुई है तो आप मैरिड दे सकते हैं। अब पर्सनल डिटेल को देने के बाद में आपको एक डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखना होता है। डिक्लेरेशन में हम लोग एक तरह से एक शपथ लेते हैं कि जो भी ऊपर की जानकारियाँ दी गई हैं वो सही है। तो मैंने एक डिक्लेरेशन टाइप कर रखा है, मैं उसी को ही कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ।
ये हो जाता है। अब इसके बाद आप यहाँ पर एक हेडिंग डाल लेंगे डेट, और डेट हेडिंग डालने के बाद आप यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। नाम इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसका प्रिंटआउट निकालूंगा तो प्रिंटआउट निकालने के बाद में जब भी आप अपना रिज्यूम किसी को दें तो आप पेन से उस पर सिग्नेचर कर दें। तो ये मैंने एक जर्नल बायोडाटा यहाँ पर बना लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं डेकोरेशन करूँगा, थोड़ा इसका फॉन्ट साइज और स्टाइल वगैरह चेंज करूँगा। तो आप यहाँ पर रिज्यूम को सेलेक्ट करके उसको थोड़ा बड़ा दिखा सकते हैं, उसे आप यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हैं। आपके पास फॉन्ट भी होता है तो आप यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, मगर फॉन्ट जो भी लीजिए वो साधारण हो, सीधा दिख रहा हो, बहुत स्टाइलिश कर्व वगैरह में ना हो। अब यहाँ पर जो मैंने अपने डिटेल लिखे हुए हैं, इसका साइज मैं यहाँ पे 12 ले लेता हूँ। अगर आप देख रहे होंगे तो बीच में यहाँ पे स्पेसेस हो जा रहा है, इसके लिए आप पेज लेआउट में जाइए और जहाँ यहाँ आफ्टर में 8 पॉइंट लिखा हुआ है इसको आप 0 कर दीजिए। तो ये आपका एक डिटेल हो गया। अब ऑब्जेक्टिव एक हेडिंग है, तो इस हेडिंग को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और हेडिंग को मैं साइज 14 दे देता हूँ, इसे बोल्ड कर देता हूँ। और यहाँ एक शेडो का बटन है, आप शेडो के बटन पर क्लिक करके ऐसे शेडो लगा दीजिए तो थोड़ा ये दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ऑलरेडी 12 है तो इसे 12 ही रहने देता हूँ, अगर नहीं होता तो 12 कर लेते। अब यहाँ पर ये भी एक हेडिंग है, इसे आप 14 कर लीजिए, इसको आप बोल्ड कर दीजिए, इसका भी आप एक शेडो यहाँ से लगा दीजिए। अब जो आपने अपना एजुकेशन डिटेल लिखा है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी साइज आप 12 कर लीजिए। अब चूंकि ये एक लिस्ट बन रहा है तो यहाँ आपको एक बुलेट लिस्ट का सिंबल मिलता है, आप इस पर क्लिक करिए तो यहाँ आपको अलग अलग प्रकार के बुलेट स्टाइल मिलेंगे। तो आपको जो भी बेहतर यहाँ से लग रहा हो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ पे कंप्यूटर स्किल को सेलेक्ट कर लीजिए, इसका भी साइज 14 दे दीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए, इसका भी आप एक शेडो लगा दीजिए। अब आपने जो बेसिक जानकारियाँ दी हैं इनका भी साइज आप 12 कर लीजिए। 12 करने के बाद में आप इसके आगे भी बुलेट का निशान ऐसे लगा दीजिए। अब आपका जो यहाँ पे पर्सनल डिटेल है तो पर्सनल डिटेल वाले हेडिंग को आप सेलेक्ट कर लीजिए, चूंकि ये भी एक हेडिंग है तो साइज इसका 14 ले लेते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और इसके ऊपर भी हम यहाँ पर शेडो लगा देते हैं। अब ये जो पर्सनल डिटेल के संबंधित जानकारियाँ लिखी हुई हैं इन जानकारियों की साइज मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ और ये आपका एक पर्सनल डिटेल से संबंधित हो जाता है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो साइज मैंने चेंज किया तो ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो इसको आप यहाँ पर ऐसे बराबर कर सकते हैं। अब आपका जो डिक्लेरेशन है ये भी एक हेडिंग है तो इसकी साइज 14 ले ली गई, इसको भी बोल्ड कर दिया गया और इसको भी यहाँ से हाईलाइट कर दिया। और यहाँ लास्ट में जो हमारा लाइन है इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसकी साइज यहाँ पे 14 लेके मैंने इसको बोल्ड कर दिया। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ मैंने एक जल्दी से एक रिज्यूम तैयार कर लिया और रिज्यूम में मैंने अपने पर्सनल डिटेल को बारी बारी टाइप किया हुआ है। और ये एक साधारण रिज्यूम है, फिलहाल ये उस पीपल के लिए ज़्यादा फिट बैठता है जो एक काम का अनुभव नहीं किए हुए है, पहली बार अपना रिज्यूम बना रहा है। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं इसमें एक फ़ोटो ऐड करूँगा तो उसके लिए आप इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में आने पे आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का टूल मिलेगा, आप टेक्स्ट बॉक्स टूल को सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें आपको मिलेगा एक ऑप्शन ड्रा टेक्स्ट बॉक्स का, आप इसको ले लीजिए। और जितने एरिया में आप फोटो लगाना चाहते हैं उस एरिया को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें फोटो मैं लगा दूं, दो तरीका है। एक तरीका है अभी फोटो लगा दिया जिससे प्रिंट में फोटो आ जाएगा, या बहुत लोग प्रिंट करने के बाद में अलग से एक फिजिकल फोटो छपकाने का काम करते हैं तो सीधे आप प्रिंट कर लीजिए और अपना फिजिकल फोटो लगा लीजिए। या अगर आपके पास फोटो है तो फिलहाल इंसर्ट पे आके आप पिक्चर टूल पे क्लिक करिए और पिक्चर टूल पे क्लिक करने पे आपके फोटो जहाँ भी हैं उस फोटो को आप यहाँ से पाथ के जरिए सेलेक्ट कर लीजिए और आप इस फोटो को ऐसे यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फोटो आ गया।
अगर आप चाहते हैं कि जो आउटलाइन है ये आउटलाइन ना दिखाई पड़े तो इस आउटलाइन पे माउस क्लिक करिए, राइट बटन क्लिक करिए और नीचे आपको फॉर्मेट शेप मिलेगा, आप फॉर्मेट शेप पे जाइए। तो ऐसे यहाँ पे लाइन का कलर जो दिख रहा है, मैं नो लाइन ले लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे लाइन का कलर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से एक रिज्यूम बन गया। अब आप प्रिंट कमांड चलाइए तो प्रिंट कमांड में आपके रिज्यूम का एक प्रीव्यू आएगा। अगर आपको प्रीव्यू सही लग रहा है तो यहाँ आप प्रिंट बटन पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप अपने रिज्यूम को सेव भी कर लीजिए, जिससे भविष्य में किसी को मेल करना हो या प्रिंट करके देना हो तो हम आसानी से इसको कर पाएँ। तो ये था आज का क्लास, जिसमें मैंने आपको जल्दी से 15 मिनट में एक रिज्यूम बनाना आपको सिखाया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप ज़रूर लाइक करिए, और अगर किसी को शेयर करना है तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए। आज का क्लास यहीं ही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।